गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों को जो सर पढ़ा रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने पढ़ाया होगा, और फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र था बेटा, इस चैप्टर में सर ने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए होंगे, मैं भी थोड़ा बहुत रह गया हूँ, तो हम सर से बात करके उस चैप्टर में जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ होगा उस पोर्शन को देख करके फिर उसका रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन कराने के बाद रिमेनिंग पोर्शन को आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बेटा भौतिक विज्ञान पार्ट वन का है, तो हम जो चैप्टर या जो पाठ या जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो लेसन हमारा है दूसरा लेसन। कौन सा बेटा है आपका, लेसन टू है, और लेसन टू में हमें क्या पढ़ना है बेटा, फिजिक्स का पार्ट वन। दो फिजिक्स चलती है, फिजिक्स पार्ट वन और फिजिक्स पार्ट टू। तो फिजिक्स पार्ट वन का बेटा लेसन टू का हम पढ़ेंगे चैप्टर, लेसन टू चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। क्या बेटा चैप्टर का नाम है, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो हेडिंग हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। किसके बारे में बेटा पढ़ना है, क्षेत्रफल सदिश, इसको इंग्लिश में एरिया वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। हमें क्या पढ़ना है बेटा, क्षेत्रफल सदिश, इसे एरिया वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में आप पहले से जानते हैं, क्षेत्रफल के बारे में आप पहले से जानते हैं। क्षेत्रफल जैसे आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग होता ना बेटा, ये वर्ग, जैसे इसकी ये भुजा ए है, क्या है बेटा, भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा की घात दो, या इसी को कहेंगे ए स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह जो अगर कोई ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल आर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल आपने पहले भी पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के बारे में आपको पहले से पता है, आपने छोटी क्लासेस में, नाइन्थ में, एट्थ में, टेंथ में इनके बारे में पढ़ाई कर रखी है। लेकिन हमें बेटा क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ना है बेटा, क्षेत्रफल सदिश। तो किसी भी पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हो, मान लीजिए इस ये पृष्ठ है, एक क्या है बेटा, एक पृष्ठ, इस पृष्ठ को सदिश रूप में लिख देना। किस रूप में लिख देना, सदिश रूप में लिख देने को ही हम क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। देखो बेटा ये क्षेत्रफल कैसी राशि है, जो अगर हम क्षेत्रफल के बारे में कहें तो ये अदिश राशि होती है। कैसी होती है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये सदिश राशि है। तो बेटा क्षेत्रफल सदिश आपकी सदिश राशि होती है। तो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चौक का डिब्बा है, ये देखिए आप, तो इसमें इसको बंद कर देता मैं, इसमें देखो बेटा बहुत सारे पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ आपका ये है बेटा, और एक पृष्ठ आपका ये है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए ये वाला पृष्ठ हम देख रहे हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे लिखा जाएगा, तो इस पृष्ठ पे बेटा जो लंबवत, लंबवत बाहर की ओर सदिश होगा, ये देखिए चाक से मैंने दिखाया, ये लंबवत जो बाहर की ओर सदिश होता है, इसी सदिश को इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। जैसे ये हम पृष्ठ लें, तो इस पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर सदिश, ये जो सदिश होगा, इस बाहर की ओर के सदिश को हम क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसी तरह मान लो ये एक पृष्ठ ये है, तो इस पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर देखना है बेटा, बाहर की ओर जो सदिश है उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। अब कभी बाहर की ओर भी देखना होता है बेटा,
कभी अंदर की ओर भी देखना होता, वो कब देखना होता इसके आगे बताते हैं। तो पहले हम क्षेत्रफल सदिश के बारे में देखें। मान लीजिए बेटा ये कोई एक पृष्ठ है, क्या है ये, कोई एक पृष्ठ है, क्या है ये हमारा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। मान लीजिए बेटा एक कोई एक पृष्ठ है, सरफेस है, अब इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। तो इस पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर जो सदिश होगा, लंबवत जो बाहर की ओर सदिश होगा, क्या बेटा लंबवत बाहर की ओर सदिश, इसी सदिश को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आप क्या जाने, किसी पृष्ठ पे लंबवत जो बाहर की ओर सदिश बनाया जाता है उसी सदिश को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन हमको कहनी हो कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ भी यूज कर लीजिए, बंद पृष्ठ भी होता है बेटा, क्लोज पृष्ठ भी होता है, इसके आगे हम थोड़ा बाद में बताते हैं, अभी मेन डिफिनेशन ऐसे ही देख लीजिए। किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जो सदिश है उसी सदिश को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब इसका सिंबल क्या है बेटा, जैसे एरिया का क्या होता था, क्षेत्रफल का क्या होता था, क्षेत्रफल का जो हमारा सिंबल होता था वो या तो हम लोग ए लिखते थे या एस लिख लेते थे। तो क्षेत्रफल का ए या एस होता है, तो क्षेत्रफल सदिश का जो सिंबल होता है वो ए सदिश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, ए सदिश। अब ए सदिश है तो इसमें ये सदिश है, और सदिश में आपका मालूम है कि परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जो अगर हम तो ये क्षेत्रफल सदिश निकालने का फार्मूला हो सकता है, जहां मॉड ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का मापांक, क्या है बेटा क्षेत्रफल का मापांक, और एन क्या है आपका, यहां पे लिख लेते हैं, चलो एन क्या है, लंबवत दिशा में, लंबवत या पृष्ठ के, ऐसे कह सकते हो, पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। ये क्या होता है बेटा, पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अच्छा आप एक बोर्ड, ये बोर्ड देख पा रहे हैं, बोर्ड देख पा रहे हैं, अब इस बोर्ड एक पृष्ठ ही तो है, अब इसका क्षेत्रफल सदिश लिखें तो क्या बनाएंगे, ये क्षेत्रफल, ये एक सरफेस है, अब इसका क्षेत्रफल ये चौक से दिखाया जाएगा और लंबवत बाहर की ओर दिखाया। तो क्षेत्रफल सदिश का जो अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या लिखा जाएगा बेटा, ए सदिश इक्वल टू मॉड ए एन यूनिट वेक्टर, जहां मॉड ए क्या है क्षेत्रफल का मापांक और एन क्या है पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अब यहां पे एकांक सदिश कैसे देखा जाता है बेटा, उसके बारे में हम लोग देखें। देखिए बेटा ये आप तीन एक्सिस जानते थे, पहले से जानते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस होता है, और ये बेटा आपका जेड एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये बेटा आपका जेड एक्सिस। तो जो अगर जेड, या पहले हम एक्स की बात करें, जो अगर एक्स दिशा में एकांक सदिश लिखना होगा तो पॉजिटिव एक्स दिशा का एन क्या होगा बेटा, आई होगा। पॉजिटिव एक्स दिशा का एकांक सदिश क्या होगा बेटा, आई। जो अगर निगेटिव एक्स दिशा, भाई ये पॉजिटिव एक्स दिशा है तो ये होगी निगेटिव एक्स, निगेटिव एक्स दिशा का एकांक सदिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस आई लिखेंगे।
सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव वाई दिशा का लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, प्लस जे लिखेंगे। जो अगर हम बेटा निगेटिव वाई दिशा का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे। जो अगर बेटा हम लोग पॉजिटिव जेड दिशा का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस का के। और जो अगर हम बेटा निगेटिव जेड दिशा का सदिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के वेक्टर। ये आपके एन वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस होती है। क्या होती है बेटा, डायरेक्शंस होती ही, याद कर लीजिए आप। जो अगर आपका प्लस एक्स दिशा में है तो आई लिखना पड़ेगा, जो अगर माइनस एक्स दिशा में है तो एन क्या लिखोगे, माइनस आई लिखोगे। जो अगर आपका बेटा ये एन भी लिख सकते हो, चलो एन यूनिट वेक्टर की तरह आप रिप्रेजेंट कर दे। जो अगर प्लस वाई दिशा में है तो प्लस जे लिखना है, जो अगर माइनस वाई दिशा में माइनस वाई दिशा में है तो क्या लिखेंगे, माइनस जे। जो अगर प्लस जेड दिशा में है तो प्लस के लिखेंगे, जो अगर बेटा माइनस जेड दिशा में है तो माइनस के लिखेंगे। तो ये एन वेक्टर क्या पुट करना है, आप उसके बेसिस पे पुट करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर मॉड ए एन यूनिट वेक्टर होता है। मॉड ए तो क्षेत्रफल का मापांक होता है, लेकिन एन जो होता है वो एन क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। जो अगर हमारा बेटा प्लस एक्स दिशा है तो एन क्या लेंगे, आई लेंगे। माइनस एक्स दिशा में है तो एन क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। प्लस वाई दिशा में है तो क्या लिखेंगे, प्लस जे। माइनस वाई दिशा में तो एन क्या लेंगे, माइनस जे। जेड दिशा में है तो प्लस के, और माइनस जेड दिशा में है तो माइनस के लिखेंगे। अब यहां पे दो बातें और इंपॉर्टेंट है, दो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों बातों को भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। पहली बात क्या है, पहली बात आपको बेटा ये याद रखनी पड़ेगी, जो क्लोज सरफेस है, क्या है बेटा, क्लोज सरफेस है, क्लोज मतलब बंद पृष्ठ ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, पृष्ठ है, क्या है बेटा, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब जैसे चौक का डिब्बा। अब देखो ये वाला सरफेस क्या है, बंद है। इस सरफेस को देखें बेटा तो ये क्या है, बंद पृष्ठ है। ये वाला सरफेस देखें तो क्या है, बंद पृष्ठ। लेकिन जो अगर अभी इसको ओपन कर दें, यहां से ओपन कर दिया, तो अब इसको क्या कहोगे बेटा, अब इसको कहोगे ओपन सरफेस। क्या कहोगे बेटा, ओपन सरफेस कहोगे। लेकिन जो अगर ऐसे इसको बंद कर दिया जाए तो इसको बेटा कहेंगे क्लोज सरफेस या बंद पृष्ठ। क्या कहेंगे बेटा, इसको बंद पृष्ठ कहेंगे। तो जो बंद पृष्ठ में हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे, तो बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की दिशा में, किस दिशा में बेटा, बाहर की दिशा में। जैसे बंद पृष्ठ है तो इसका बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, ये बंद पृष्ठ का बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। बाहर की दिशा में, बाहर या लंबवत लिख लो, लंबवत बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। क्या याद रखेंगे बेटा, बंद पृष्ठ में लंबवत बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश को धनात्मक लिया जाता है, याद कर ले। तो जो अगर क्षेत्रफल सदिश हम कहें तो क्या कह सकते हैं, परिभाषा रिवीजन करते हैं इस पूरे का, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर बनाए गए सदिश को, इस फिर से सुन लो, ये हमारा एक सरफेस है, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर बनाए गए सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। इसको ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी बंद पृष्ठ में लंबवत बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश धनात्मक लिया जाता है।
ये बात आपको समझ। अब क्षेत्रफल सदिश का यहाँ बेटा फार्मूला क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला, क्षेत्रफल सदिश इक्वल टू मापांक ए, एन यूनिट वेक्टर, मापांक ए क्या है क्षेत्रफल का मापांक, और एन क्या होता है पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अब बेटा ओपन सरफेस का भी हमें क्षेत्रफल सदिश निकालना होता है, लेकिन गाउस के नियम में उसका यूज नहीं है। ये हमारा जब पास्कल का लॉ पढ़ते हैं, पास्कल का नियम, दाब वगैरह जब पढ़ा जाता है, तब हमें ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दोनों देखने होते हैं। तो जब हम कभी पास्कल लॉ पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि बंद पृष्ठ के बाहर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश को धनात्मक लिया जाता है। परिभाषा क्या है कि किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर बनाए गए सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसको ए वेक्टर, कुछ बुक्स में इसको एस वेक्टर से भी लिखा गया है, चाहे ए वेक्टर लिखें और चाहे एस वेक्टर, तो इसको ए सदिश या एस सदिश से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला मापांक ए एन इकाई सदिश होता है, जहां मापांक ए क्षेत्रफल का मापांक होता है बेटा, और एन पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश होता है। अब इससे रिलेटेड हम दो तीन प्रॉब्लम करते हैं, ये बोर्ड में डिफिनेशन पूछी जाती है और ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के गॉस लॉ में क्वेश्चंस और उसका अनुप्रयोग करने के लिए। तो ये याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, जो अगर ये हमारा एक सरफेस है, ये बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर लेंगे, तो इसके बाहर की ओर लेंगे। जो अगर ये एक हमारा बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर लेंगे, इसके बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए बेटा हमारा हाथ है ये हथेली, ये एक बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसकी तरफ बाहर की ओर होगा। ये बात हम क्वेश्चंस करने में यूज करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल सदिश के दो प्रॉब्लम करके देखते हैं। अब मान लीजिए बेटा एक हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है, क्या है बेटा एक्स वाई प्लेन है, एक्स सॉरी ये वाई लिख लेते हैं और ये एक्स लिख लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई समतल है, क्या है एक्स वाई समतल है, क्या है बेटा एक्स वाई समतल है। मान लीजिए इसमें एक वर्ग रखा हुआ है या वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा ए है। कितनी है भुजा बेटा, भुजा ए है। अब हम कहें इसका क्षेत्रफल सदिश निकालो, क्या कहूं बेटा मैं इसका क्षेत्रफल सदिश निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश निकालो। पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए एन यूनिट वेक्टर। तो मॉड ए क्या है इसका मापांक, मॉड ए क्या है इसका मापांक, मतलब क्षेत्रफल का मापांक। तो मॉड ए क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ए क्षेत्रफल का मापांक, क्षेत्रफल का मापांक। तो मापांक या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ए क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल का मापांक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात दो, तो मॉड ए क्या निकलेगा भुजा की घात दो, जो हमारा निकलेगा ए स्क्वायर। लेकिन इसका एन क्या होगा, अब ये कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स और वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन का हम लंबवत सदिश देखेंगे बाहर की ओर, तो ये एक्स वाई प्लेन है, इसका लंबवत बाहर की ओर सदिश ये होगा। अब ये कौन सी दिशा होगी बेटा, ये जड़ दिशा होगी, क्या होगी भाई एक्स वाई प्लेन का लंबवत बाहर की ओर सदिश क्या होगा, जड़। यहाँ पे याद करो जो एक्स वाई समतल है तो कौन सा नहीं है भाई, तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई है जड़ नहीं है, तो जो नहीं होता है वही हमारा सदिश एन बन जाता है। तो अब देखो यहाँ बेटा एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड दिशा, और जेड दिशा का एन क्या बताया था मैंने, के बताया था, क्या बताया था बेटा के बताया था। तो हम जो अगर ए लिखें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर
के वेक्टर। क्लियर हो? सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है। जैसा अच्छा मान लीजिए स्क्वायर की जगह यहां डिस्क बनी होती, क्या बनी होती बेटा? स्क्वायर की जगह यहां डिस्क बनी होती, मान लो क्या बनी होती? स्क्वायर की जगह डिस्क बनी होती और इसकी रेडियस आर होती, मान लो त्रिज्या आर होती। तो प्लेन तो वही एक्स वाई है, लेकिन अब यहां पे जो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाता, वो मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा बताओ? अब डिस्क का क्षेत्रफल क्या होता है? डिस्क एक वृत्त टाइप का ही तो है, और डिस्क का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। प्लेन वही है एक्स और वाई, तो जो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एन क्या होगा इसके लिए? के होगा। तो ए वेक्टर कितना लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर के वेक्टर। समझ आ गए? अच्छा और करके देखते, इसको देखो आप, अच्छा मान लीजिए चलिए एक मैं क्यूब बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? एक क्यूब बनाता हूं, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब टाइप का या क्यूबॉइड टाइप का है, एक क्यूब बनाता हूं मैं। ये मान लीजिए एक क्यूब है बेटा, अब ये क्यूब हो गया, ये तीन एक्सिस हैं, मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है बेटा? ये जेड एक्सिस है और ये आपका मान लेता हूं बेटा वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड। और ये क्यूब की जो भुजा है वो ए है। ये भुजा कितनी है? क्यूब मतलब एक घन बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? घन, जिसकी भुजा कितनी है? ए है। अब इसमें कई सारे पृष्ठ होंगे, मान लीजिए हम ये पृष्ठ लेता हूं, ये वाला पृष्ठ लें। कौन सा पृष्ठ लें बेटा? ये वाला पृष्ठ लें। मान लिया बेटा हमने ये पृष्ठ लिया, कौन सा पृष्ठ लिया? अब ये पृष्ठ लिया, जो अगर हम ये पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तो अब इससे बाहर की ओर बनाना होगा, और जब बाहर की ओर बनाना होगा तो यही तो इसका, मान लीजिए फर्स्ट वाला है तो इसका A1 इसी डायरेक्शन में तो आएगा बेटा। अब ये जो अगर हमारा एक क्यूब है, एक घन है, तो ये एक पृष्ठ क्या बनता है? इसका वर्ग ही तो बनता है। तो जो अगर हम इसका A1 क्षेत्रफल सदिश लिखें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मॉड A एन यूनिट वेक्टर। तो A1 जो अगर लिखे बेटा तो मॉड A इसका क्षेत्रफल का मापांक, तो इसकी भुजा A है, ये भी भुजा A होगी, तो भुजा का स्क्वायर A स्क्वायर। लेकिन इसका क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर है? यही तो इसका बेटा क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है? देखो ये वाली दिशा क्या है? एक्स, क्योंकि भाई हमें फार्मूला जब लगाएंगे ए वेक्टर का तो हम क्या लगाएंगे? मॉड ए भी चाहिए और एन यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो बेटा ये एक्स दिशा है, और कौन सी है? पॉजिटिव एक्स दिशा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश पॉजिटिव एक्स दिशा के अलोंग है या नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल सदिश पॉजिटिव एक्स दिशा में दिखाई दे रहा है। तो फिर कौन सा वेक्टर? और पॉजिटिव एक्स दिशा का वेक्टर क्या बताया था? आई होता है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे? आई लगा लेंगे। अच्छा सिमिलरली जो अगर हम इसका लिखें, किसका लिखें बेटा? इस वाले का लिखें। ये बात आप समझ आ गई? इस वाले का लिखें जो अगर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ए टू, जो अगर इसको टू सरफेस मानते हैं। अब इसका भुजा तो ए ही रहेगी और बनेगा तो वर्ग ही, तो जो अगर ए टू वेक्टर लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा? ए टू वेक्टर लिखेंगे ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या है? जो अगर ये बेटा पॉजिटिव एक्स दिशा है, जैसे ये पॉजिटिव एक्स दिशा है, तो ये वाली कौन सी होती है? निगेटिव एक्स डैश होता है भाई, ए एक्स है तो ये इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो इधर की तरफ निगेटिव, और निगेटिव एक्स दिशा का सदिश क्या होता है? माइनस आई। तो ए टू का लिख लिया। जो अगर हम इस वाले का लिखें बेटा, ये वाला,
तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये मान लो इसको तीन नंबर देते हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा बेटा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा बाहर की तरफ ए थ्री होगा। जो अगर अब ए थ्री लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, तो ए थ्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन सा है बेटा, ये वाई दिशा है और ये वेक्टर भी वाई दिशा में है, तो वाई के लिए क्या बताया है, जे लगाओ। सिमिलरली जो अगर हम इसका लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको मान लो चार मान लेते हैं, तो ए फोर क्या लिखोगे, ए फोर लिखोगे माइनस ए स्क्वायर जे। सिमिलरली एक ये होगा, ये वाला ये बाहर की तरफ होगा जो ए स्क्वायर के होगा, और एक कुछ छः फर्स्ट होंगे ना छः, एक ये होगा, एक ये होगा, दो एक होगा, तीन चार पाँच और छह प्रश्न होते हैं क्यूब या क्यूबाइड में, तो एक क्या हो जाएगा, ए फाइव मान लेते हैं, क्या होगा बेटा, ए फाइव होगा आपका ए स्क्वायर के, तो एक ए सिक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर के। तो आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्षेत्रफल सदिश समझ में आ चुका होगा, क्या आ गया होगा बेटा, क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए आप इसको, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा बेटा, हिंदी में आपको लिखा गया है इसको कॉपी पे, चैप्टर टू मतलब लेसन दो से आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करिए, और आपको हम ये इसका पीडीएफ फाइल लिख करके हिंदी में भेज देंगे डिफिनेशन के साथ कि क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या है, आज शाम तक इसको भेज दिया जाएगा बेटा। पहले वीडियो देखिए, सारी टॉपिक्स को समझिए, सारी डिफिनेशन को समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मापांक क्या होता है, एन क्या होता है, किसी सरफेस का क्षेत्रफल सदिश बनाते किधर हैं, ये सारी बेटा बातें आप लोग पहले समझें, और इसका नोट्स आपको भेजा जाएगा। तो जो सर ने आपको कॉपी बनाई है जो कॉपी बनवाई है उसी में चैप्टर वन लेसन वन तो करा ही रहे थे सर, उसमें काफ़ी कुछ हो गया, थोड़ा बहुत बचा है तो उसको रिवीजन के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर टू डाल के उसी के आगे इसको वीडियो देखिए और नोट्स लिखते चले गए। ओके थैंक यू बेटा, अब आगे की बात करते हैं। अब दूसरी हेडिंग यहाँ पे और आती है, दूसरी हेडिंग बेटा और आती है, वो दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, दूसरी हेडिंग हमारी आती है बेटा वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है बेटा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या कहते हैं बेटा इसको, वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में जो अगर हम जानें, तो देखो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो इसका क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं, पहले मान लेता हूँ एक सरफेस है, चलो एक सरफेस बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ बेटा, मान लीजिए एक पृष्ठ है, ये क्या है पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से लंबवत, क्या बेटा, इस पृष्ठ के लंबवत, ये लंबवत डायरेक्शन हम बना रहे हैं, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, जो अगर यहां लिखें, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
क्या होता है बेटा, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत बल। मेन कोई पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ से जो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए बेटा, इसमें हमें एक छोटा बहुत ही अनंत सूक्ष्म लंबाई का एक पृष्ठ लिया है। क्या लिया है बेटा, अनंत सूक्ष्म लंबाई का पृष्ठ लिया है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लेते हैं इधर है, और इसका ये जो सरफेस बनाया है अनंत सूक्ष्म, कैसा बनाया, अनंत सूक्ष्म। तो इसका जो मान लेता हूं एरिया वेक्टर किधर है बेटा, इधर की तरफ है dA, और मान लो इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। ये बड़ा सा पृष्ठ है, इस बड़े से पृष्ठ में मान लिया एक छोटा सा अनंत सूक्ष्म पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखाएं तो आपको दिखाई दे रही ई है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, मान लो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर dA, और इन दोनों के बीच ई और dA के बीच कोण थीटा है। तो फिर इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई। बेटा वैद्युत फ्लक्स का जो प्रतीक होता है, यहां लिख लो वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डी फाई जुगर फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई क्या है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई सिंबल से, फाई ई प्रतीक से प्रदर्शित कर। तो जो अगर इस अनंत सूक्ष्म से हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो डी फाई ई क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे ई डी ए। क्या लिखेंगे बेटा, ई डी ए। ये अनंत सूक्ष्म से है, किससे है बेटा, ये इनफाइनाइटली जो स्मॉल एलिमेंट है। जो अगर हम पूरे पृष्ठ से निकालें, पूरे पृष्ठ से, तो क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। तो पूरे पृष्ठ से निकालें तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई डी ए, ये पढ़ेंगे, ये वैद्युत फ्लक्स का क्या होगा बेटा, फार्मूला। क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होगा। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन वैद्युत क्षेत्र डॉट एरिया वेक्टर डी ए। अच्छा, जो अगर इसको इंटीग्रेट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फाई को हम लिख सकते हैं ई इंटू ए, इंटू ना कह के इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, अदिश गुणन। क्या है, अदिश गुणन, या इसी को डॉट प्रोडक्ट भी आपने पढ़ा होगा। क्या कहते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जो अगर इसके अनुसार परिभाषा लिखी जाए, इसके अनुसार, किसके अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार परिभाषा लिखी जाए, बताओ क्या होगा। अच्छा, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र सदिश, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। ये कौन सा सदिश है बेटा, वैद्युत क्षेत्र सदिश, और ये कौन सा सदिश है, क्षेत्रफल सदिश। तो इसके अनुसार जो अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या होगा बताओ। तो ये क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र सदिश। क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र सदिश, और ये क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश। क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश। तो हम क्या कहेंगे वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश
क्षेत्र सदिश वा, ये कौन सा सदिश है बेटा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश, सदिश के अदिश, कौन सा गुणन है बेटा? अदिश गुणन के या गुणनफल के, गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? जो अगर हम वैद्युत फ्लक्स कहें तो ये वैद्युत क्षेत्र सदिश और ये क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है? फाई ई है। अब ये राशि कैसी है? ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, पहले इसके बारे में जानें। तो बेटा जो हमारा ये वैद्युत फ्लक्स होता है, ये हमारी अदिश राशि है। कैसी राशि है? वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स अदिश राशि होती है। कैसी होती है बेटा? अदिश राशि होती है, मीन स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बेटा? अदिश राशि होती है। हमारी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? अदिश राशि। अब इसका हम जो कर एसआई मात्रक लिखें, क्या लिखें? वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा? ये वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र का होगा न्यूटन पर कूलम, पढ़ा होगा आपने। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। अब एफ का क्या होगा बेटा? न्यूटन। और चार्ज क्यू का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और ये क्या है? क्षेत्रफल। इसका तो न्यूटन पर कूलम हो गया, और इसका क्या होगा क्षेत्रफल का? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन। अच्छा, इसका अलग मात्रक भी होता है। अलग मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोल्ट, सॉरी पर नहीं बेटा, मैं गलत बोल गया, वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का और मात्रक कह सकते हो वोल्ट मीटर होता है। तो ये आज हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया, क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया बेटा? वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया, क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ाया। अब इसके आगे की क्लास को कल स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। ये आप पूरा अच्छे से वीडियो देखिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे कंसल्ट करते जाइए। इससे रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कल आपको कराएंगे, और इसके नोट्स आपको जल्दी से जल्दी भेज दिए जाएंगे। थैंक यू बेटा, नमस्कार।